तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि क्या इसे हमें ऑप्ट आउट का ऑप्शन देगा, बिकॉज सीबीएसई ने भी ये बोला है कि 25 डेज बाद वो दोबारा एग्जाम लेंगे, जो बच्चे नहीं दे पाएंगे। तो क्या आईसीएआई इसको लेकर कुछ सोचेगा? तो हम लोग इसी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो सीए फाउंडेशन और सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया है सब्जेक्ट वाइज। मतलब स्टार्ट कर दिया, अकाउंट्स का मैंने बना दिया, जल्दी जल्दी मैं सारे सब्जेक्ट के बना दूंगा। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपको क्या चीज पढ़नी है। एक महीने बचा है तो आपको पता होना चाहिए कि किसके चैप्टर पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो जिनको वो देखना है प्लीज आके देख सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, सब सारे जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, सब लोग जब ऑप्ट आउट का ऑप्शन हमको दे रहे हैं, कि मतलब ऑप्ट आउट का ऑप्शन इन द सेंस कि जो बच्चे पेपर नहीं दे पाएंगे उनका वो एग्जाम लेंगे, तो आईसीआई इस चीज को लेकर क्यों नहीं सोचेगा? तो आईसीआई को इसको लेके बेसिकली सोचना चाहिए, बिकॉज जैसे लास्ट टाइम ऑप्शन दिया था आईसीआई ने, उसी तरह का ऑप्शन इस बार भी आईसीआई को देना चाहिए। अदरवाइज ये बच्चों के साथ एक ना सही चीज नहीं होगी। कुछ बच्चे होंगे जिनको फीवर आ जाता है, कफ हो जाता है, तो वो लोग कैसे, मतलब क्योंकि सीधी सी बात है, जो लास्ट टाइम चीजें हुई थी उन लोगों को अंदर तो जाने नहीं जाएगा। अगर मान लो आपको खांसी हो जाती है, बुखार आ जाता है, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, उस केस में बच्चा क्या करेगा? तो मेरे हिसाब से आईसीआई को दोबारा वो ऑप्शन देना पड़ेगा। उसके अलावा आईसीआई के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अगर उसको एग्जाम कंडक्ट कराने हैं तो ऑप्ट आउट ऑप्शन उसको देना पड़ेगा, नहीं तो वही सारे क्वेश्चंस होंगे, उसका रिप्लाई फिर आईसीआई को अलग से देना पड़ेगा कि वो उन बच्चों के साथ क्या करेगा जिन बच्चों को फीवर आएगा, कफ आएगा, पिछली बार भी यही हुआ था सेम, तो उन बच्चों का क्या होगा? क्या वो बच्चे आगे पेपर नहीं दे पाएंगे? तो इस तरह तो फिर ये सारी चीजें फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आईसीआई ऑप्ट आउट ऑप्शन देगा, तो इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि मैं एक ग्रुप की तैयारी कर लेता हूँ, सेकंड का ऑप्ट आउट कर दूंगा, ये वाली चीज मत करना, बिकॉज यार 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो, मैं यही चीज बोलूंगा कि आईसीआई ऑप्ट आउट ऑप्शन जरूर देगा, क्योंकि अगर वो ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं देगा तो फिर ये चीज दिक्कत होगी बच्चों को भी और आईसीआई को भी। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दो, और ये काम मत करना कि भाई एक ग्रुप कर दिया, दूसरा ऑप्ट आउट कर दिया। आप लोग आराम से 1 महीने में प्रिपरेशन करके चीजें पास हो सकते हो। मैं बाकी आपको पूरा गाइड करूंगा इस चीज को लेके, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको हर सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा, पहले वो इंपॉर्टेंट चीजें कर लेना, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है? तो ये सारी चीज जरूर करना, ठीक है ना? तो मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा कि आप इस चीज का टेंशन मत लो, ऑप्ट आउट ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, जरूर आएगा। इसे के ऊपर देखो प्रेशर बनेगा, और सीधी सी बात है, जब आप लोग इस चीज के ऊपर सब लोग बात करना शुरू करेंगे कि भाई ऑप्ट आउट ऑप्शन देगा इसे नहीं देगा, तो आईसीआई को फिर से वही 2 साइकिल में एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है? तो इस चीज का टेंशन मत लो। एंड अगर इसके ऊपर मुझे कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी अपडेट मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, एंड इसी तरह की वीडियो के लिए एंड एनालिसिस वीडियोस के लिए एंड बहुत सारी चीजों के लिए आप प्लीज मेरे साथ ज्वाइन हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ऑप्ट आउट ऑप्शन जरूर आएगा, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करना आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।